प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा थे। उनके शासनकाल में कहते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा था, सब लोग सुखी थे, किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं था, हर तरह की सुविधा थी। उसे राम राज्य कहा गया। हम अगर उनके राम राज्य की अवधारणा के रास्ते पे चल के सार्थक कोशिश भी कर सकें तो मैं समझता हूँ हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो उन्हीं से प्रेरणा लेके, प्रभु श्री राम से प्रेरणा लेके और उनकी राम राज्य की अवधारणा को दिल्ली के अंदर पूरी साफ सुथरी नीयत से लागू करने के लिए पिछले 6 साल से हम प्रयासरत हैं और हमने एक तरह से 10 अपने मुख्य बिंदु बनाए हैं। उसमें सबसे पहला बिंदु है कि दिल्ली के अंदर कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। दूसरी, हर बच्चे को, चाहे वो गरीब का बच्चा हो, कितना ही गरीब का बच्चा क्यों ना हो, चाहे भिखारी का बच्चा भी क्यों ना हो, उसको शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। राम राज की अवधारणा से प्रेरणा लेके हमारा तीसरा प्रिंसिपल है कि अगर कोई बीमार हो जाए तो चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, उसको बेस्ट इलाज मिलना चाहिए। प्रभु श्री राम के से प्रेरणा लेके हमारा चौथा प्रिंसिपल है कि आज बिजली जो है वो नेसेसिटी है, वो जरूरत है, मूलभूत जरूरत है। तो आज दिल्ली दुनिया का अकेला शहर है जहाँ पे लोगों को 24 घंटे बिजली मिलती है, फ्री में बिजली मिलती है। हमारा पांचवा प्रिंसिपल है कि पानी मिलना चाहिए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, 20,000 लीटर पानी। राम राज की अवधारणा के अंदर पांचवा हमने सिद्धांत बनाया कि रोजगार, हर हाथ को काम मिलना चाहिए। सातवां है मकान, हर आदमी के सर पे छत होनी चाहिए, इसके लिए हमारी सरकार पूरी कोशिश कर रही है। आठवां सिद्धांत है महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं को सम्मान और महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए हमारी सरकार पूरी कोशिश कर रही है। हमारा नौवां सिद्धांत है बुजुर्गों को सम्मान, अपने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा के ला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या के अंदर अब एक भव्य मंदिर तो बनने जा रहा है। मैं दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के हमारे सारे बुजुर्गों को कहना चाहता हूँ कि एक बारी मंदिर बन जाए, आप सबको अयोध्या के फ्री में दर्शन करते हैं। और हमारा दसवां सिद्धांत है सबको बराबर तरीके से भाईचारे के साथ सब लोग रहें, शांतिपूर्वक सब लोग रहें, शांतिपूर्वक अपना निर्वाह करें, ऐसी हमारी पूरी कोशिश रहती है। इसी के साथ मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।